हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर बच्चों हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो फोर्स है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किस तरीके से वो अप्लाई होती है, कैसे फोर्स लगती है। तो सबसे पहले बच्चों, हमने यहाँ पर एक सेटअप लिया, ये आप देख सकते हैं। ये हमने एक रोड यहाँ पर ली है जिसके अंदर से हम करंट को पास करवाएंगे। ए एंड है इसका, वो भी हमने सर्किट से अटैच किया, बी एंड को भी हमने सर्किट से जोड़ दिया है। यहाँ हमने एक मैग्नेट रखा है, मैग्नेटिक फील्ड जिसे अप्लाई करेंगे हम। तो बच्चों, जो एनर्जी पियर थे उन्होंने सजेस्ट किया था ये कि जो मैग्नेट है वो भी एग्जर्ट करता है इक्वल और अपोजिट फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। यानी कि जो ये मैग्नेट है, उन्होंने क्या कहा साइंटिस्ट ने कि ये मैग्नेट भी इस कंडक्टर के ऊपर ठीक इक्वल उतनी ही अमाउंट में और अपोजिट फोर्स को इसके ऊपर अप्लाई करता है। तो बच्चों, जैसे ही हमने यहाँ पर करंट को इस वायर के अंदर से हम प्रोसीड करवाते हैं, यानी कि वायर के अंदर से जैसे ही जो करंट है वो पास होता है, तो जो हमारे इसके अंदर, इस रोड के अंदर वो मूवमेंट शुरू हो जाती है। जब बी टू ए हमारा इसके अंदर डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, डायरेक्शन एक बार हम बी टू ए रखेंगे, एक बार ए टू बी रखेंगे, तो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि एक बार इसका लेफ्ट एंड और एक बार इसका राइट एंड है जो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी आपने ऑब्जर्व करनी है कि भाई करंट की डायरेक्शन चेंज की तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें भी चेंज आया और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर चेंज हो रही है। कैसे, देखो हम यहाँ पर दो केसेस लेंगे। एक बार तो हमने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को ए टू बी और उसको दोबारा बी टू ए, तब हमने देखा कि इसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है। सेकेंड केस में हमने क्या किया, जो हमारा ये मैग्नेट इस तरीके से प्रेजेंट है, ऐसे सपोज करो नॉर्थ और साउथ पोल, अब हमने इस मैग्नेट की पोजीशन को चेंज कर दिया, मैग्नेट की जो पोजीशन उसको रिवर्स कर दिया है। तो इसके अंदर दोनों में ही हमने चेंजेस को ऑब्जर्व किया, दोनों में ही जो फोर्स है वहाँ पर चेंज यहाँ पर हुआ है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों इन द कंडक्टर इज द मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट ट्रायंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इस रोड के अंदर बच्चों, वो मैक्सिमम रहेगी कब, जब डायरेक्शन करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की एक दूसरे के राइट एंगल पर रहेंगे। और जैसे ही हमने यहाँ पर अभी अभी डिस्कस किया कि डायरेक्शन है जो करंट की, उसके साथ ही जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। एनसीईआरटी से जब आप देखते हो तो ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें मिलेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड रूल, जो ऊपर हमने टॉपिक डिस्कस किया उसी बेसिस पर हमने फ्लेमिंग लेफ्ट एंड रूल को हम पढ़ेंगे। आपने अपने लेफ्ट हैंड को के थंब को आपने स्ट्रेच किया, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को आपने इस तरीके से रखना है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, या फिर हम कह सकते हैं 90 डिग्री का वो जो राइट एंगल रहे यहाँ पर, 90 डिग्री का एंगल की फॉर्मेशन हो। तो बच्चों यहाँ पर जो थंब है, यानी कि जो ये थंब है हमारा, ये फोर्स या मोशन को डिनोट करेगा। फोर फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को और जो मिडल फिंगर है वो करंट को। तो यानी कि ये फोर्स हमारी कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी फील्ड और करंट के ऊपर, डिपेंड करती है ये डायरेक्टली किसके ऊपर, फील्ड और करंट के ऊपर। इनके अंदर अगर कोई भी चेंज आता है तो उससे हमारी जो फोर्स है वो भी चेंज होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्लेमिंग लेफ्ट एंड रूल है वो हमें एक्सप्लेन करता है। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर का हमारा जो टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे, आज आपने एक बार इसको पढ़ लेना है। ओके, तो यहाँ तक पढ़ लेना, कोई डाउट आता है बता देना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।